जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो बाकी तमाम चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर दी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अब बस जो चीज़ रह गई पीछे ये थी कि एक छोटा सा पॉइंट कि जब अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट फॉर्म में आ जाए या परफेक्ट फॉर्म में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए तो हम क्या उसके साथ क्या करेंगे, उसको कैसे हम डील करेंगे। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि फिर उसमें हम टेंस की चेंज नहीं करेंगे। जैसे ये मैंने ऊपर लिखा है इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट फॉर्म में हो प्रेजेंट परफेक्ट में हो या फ्यूचर टेंस में हो द रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच ये होता है, ये देखें ये रिपोर्टेड स्पीच है, द रिपोर्टेड स्पीच रिटेन्ड द सेम टेंस, तो उसको आपने चेंज नहीं करना, इसको आपने वैसे का वैसे ही रखना है। द प्रोनाउन चेंज एज यूजुअल, ठीक है, प्रोनाउन विल चेंज एज यूजुअल, जो यानी कि प्रोनाउन जो थे ना वो जो सन वाला फॉर्मूला था, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नॉट चेंज, तो ये आपने करना है। लेकिन जब परफेक्ट में प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट में या उसमें फ्यूचर में आ जाए तो फिर आपने इसको टेंस चेंज नहीं करना, बाकी उसकी चेंजिंग होंगी। चले हम इसको देखते हैं, शी तो वैसे का वैसे ही आ गया, शी सेज जो है सेज जो है वो किसमें टर्न होगा, इसको आप देखिए कि शी सेज सेज हमेशा सेज में ही रहेगा, यहाँ पे टेल्स टेल्स में भी आ सकता है, सेज में भी आ सकता है, शी सेज इन्वर्टेड कॉमास दे क्योंकि सेंटेंस बिल्कुल सादा है, सिंपल है, स्टेटमेंट है, तो दैट आ गया, शी सेज दैट आई, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था शी, होप होप शी होप, आई फर्स्ट पर्सन शी होप, अब देखे ना मैंने होप फर्स्ट फॉर्म आई थी तो शी होप, शी के साथ होप तो नहीं आएगा ना, साथ में एस का दावा गया, शी होप्स, शी आई फर्स्ट पर्सन शी इज नॉट लेट। अब इसमें जो चेंजिंग्स आई ये देखें, आई की जगह शी क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लगाया, तो जब शी आ जाता है आपको पता है इंडेफिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनेट था ये पहले भी, अभी भी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है, तो शी होप्स हमने होप्स को होप्स में ही रखा, और शी होप जो है वो एस का इजाफा कर दिया, शी शी के साथ एम तो नहीं लगा सकते, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है तो एम की जगह इज का इस्तेमाल किया, इज नॉट लेट, शी इज नॉट लेट, यू हैव, अच्छा यू तो आ गया, यू हैव सेट, यू हैव सेट, तो यू हैव सेट जो है ये यू हैव सेट में ही रहेगा, यू हैव सेट को सेट में ही रखें, यहां पे कर दें दैट कर दें, यू हैव सेट दैट दे, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नॉट चेंज होता है, ये देखें नॉट चेंज होता है, दे आर आर वैसे तो अगर होता नेगेटिव में पास्ट टेंस में होता तो हम इसको हम अगले में टेंस में कन्वर्ट आर को वाज में कर देते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास परफेक्ट है तो इस आर को हम आर में ही रखेंगे, दे आर वेटिंग आउटसाइड आउटसाइड। नेक्स्ट आ जाता है कि यू विल से, अब ये फ्यूचर में आ गया है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच आ गया है फ्यूचर में, तो यू विल से जो है ना वो यू विल से में ही रहेगा, यू विल से दैट शी शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नॉट चेंज, शी इज क्राइम, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ही सेज आई वांट टू स्पीक टू यू, He says, I want to speak to you. Where is Duster? He says, you have a says, mein rakhe. Says, I first person, change to subject. Pehle to that lagaye, that I want to speak to you. I want में गिरेगा टू स्पीक टू
He said, I want to speak to you. मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ. He says to me, I want. अच्छा, अब यहाँ पर देखें, I want, I को हमने चेंज नहीं किया. I को चेंज करें. First of all, change the subject. He want to change. He want to speak to you. Second person change to me. He want to speak to me. तो ये याद रखिए कि जो भी मैंने ऊपर बताया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर टेंस में अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच आ जाए तो आपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस की तब्दीली नहीं करनी, बाकी आपने तो चेंजिंग करनी है. इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला जो कैमरामैन हमाद और तैयब हैं उनके साथ हम चलते हैं. नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें. एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.